योगी सरकार की हमेशा कोशिश रहती है कि यूपी में शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए पहुंचे और इसके लिए उनको जो भी मदद हो सरकार उसे पूरा भी कर रही है। लेकिन क्या ये मदद बच्चों तक पहुंच पाती है? देखिए रिपोर्ट। सर्व शिक्षा अभियान, वो अभियान जो हर किसी को शिक्षा का अधिकार देता है, अभियान से आज कई बच्चे अपने लक्ष्य को पा रहे हैं और उनके इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी सरकारी प्रतिबद्ध है। लेकिन प्रदेश में अधिकारी ऐसे जो बच्चों के शिक्षा के अधिकार में भी अपना मुनाफा ढूंढ ही लेते हैं। ये जो कागजों पर कलमें चली हैं, वो अफसरों के भ्रष्टाचार की पोल को खोलती है। मामला कानपुर देहात का है, जहाँ पर प्रदेश सरकार की कायाकल्प योजना से हर ग्राम पंचायत के प्राथमिक और जूनियर स्कूल में लग रहे मैग्नेटिक ग्रीन चॉक बोर्ड में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार सामने आया है। यहां अफसरों ने बिना टेंडर किसी अनजान फर्म को ग्रीन बोर्ड का टेंडर देकर सरकारी स्कूलों में ग्रीन बोर्ड लगवाए और फिर मनमाने बिल वाउचर के जरिए सरकारी धन की लूट की। यहां बोर्डों की कीमत जो कि 2 से 3 हजार रुपए है, उसे वाउचर में 10 हजार रुपए का बनाया गया। इस मामले के सामने आने के बाद अनुमान है कि ये घोटाला करोड़ों का है। वहीं जिस कंपनी यूनिक इंफ्रा प्रोजेक्ट फर्म को ये टेंडर दिया गया, शिकायत के बाद अधिकारियों ने जब कंपनी में एक चिट्ठी भेजी तो इस पते पर कोई कार्यालय नहीं होने की बात सामने आई। मैंने अपने मंडल के सभी जनपद के जो DPRO है उनको निर्देश दिए हैं कि जहाँ जहाँ ये सप्लाई हुआ है इस फर्म के माध्यम से उसकी सूचना दें, फिर उसके आगे के बाद कार्रवाई। हमने एक प्रारूप पे मांगी है कि कहाँ कहाँ इन्होंने सप्लाई किया है DPRO से, और कानपुर देहात के साथ साथ मंडल के सभी जनपदों में से मांगा है, और जैसे ही सूचना में मिलती है तो फिर आगे की कार्रवाई इस फर्म के खिलाफ की जाएगी। वहीं कानपुर देहात से ही एक और तस्वीर भ्रष्टाचार की सामने आई। अब अफसरों के भ्रष्टाचार की पोल ये बच्चे खुद ही खोल रहे हैं। ये स्वेटर आपको कब मिली थी? यही साल में मिली थी। ये फट कैसे गई? बिद गई थी। स्वेटर कैसे फट गया आपको? अच्छा, कब मिली थी स्वेटर आपको? स्वेटर कब मिली थी आपको? कानपुर देहात जिले में मैग्नेटिक चॉक बोर्ड की सप्लाई में करोड़ों के घोटाले के बाद शिक्षा विभाग के स्वेटर सप्लाई में करोड़ों का घोटाला भी सामने आया है। दरअसल 2 महीने पहले प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्कूलों में छात्रों को ठंड से बचने के लिए स्वेटर बांटे गए, लेकिन ये महज 2 महीने में ही फट गए। अब जिले में छात्रों को दिए गए स्वेटर फटने के मामले में घोटाला नजर आने लगा है, जिसमें जिले के उच्च अधिकारी समेत बेसिक शिक्षा अधिकारी पर कार्रवाई भी हो सकती है। कहा जा रहा है कि संतोष सेल्स एजेंसी से शिक्षा विभाग ने 2,71.6 लाख रुपए स्वेटर खरीदे गए। अधिकारियों के कमीशन के चलते 100 रुपए की कीमत का स्वेटर 184 रुपए में खरीदा गया, जो अधिकारियों की कमीशन की पोल को खोल रहा है। तो क्वालिटी के आधार पर अभी 75% भुगतान किए गए हैं फर्म का जी, और 25% का भुगतान इसी आधार पर शासनादेश के अनुसार बाद में किया जाएगा जी। कि जो भी जनपद स्तरीय और राज्य स्तरीय टीमें आएंगी और टीमें चेक करेंगी हमारे जनपद पर रैंडम आधार पर। सरकार जहां एक और ग्राम पंचायतों के संपूर्ण विकास के लिए कायाकल्प योजना के जरिए गांव के स्कूल पंचायत घर के साथ साथ सामुदायिक केंद्रों का सौंदर्यीकरण कर रही है और बच्चों को योजनाओं का लाभ मिल सके ऐसी कोशिश कर रही है, तो वहीं अपने लाभ के चक्कर में अफसर इस हरकत से प्रदेश में दाग लगा रहे हैं। कानपुर देहात से सुमित गुप्ता, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।